सूचना तो वैसे आप लोगों को मिल ही गई होगी कि यूपीएससी ने ईपीएफओ का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यहाँ पर फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होगा यूपीएससी के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद में जो भी एग्जाम की डेट होगी वो डिक्लेयर की जाएगी। इसके बाद में जैसे ये वीडियो मैंने अपलोड करी, बहुत सारे मेल आए कि सर प्रीलिम्स का क्या होने वाला है। देखिए प्रीलिम्स जो है वो अभी काफी दूर है, ठीक है, लगभग 2 महीने से भी ज्यादा आप लोगों के पास में टाइम है, और उस टाइम पर कैसी सिचुएशन रहने वाली है देश के अंदर, कोरोना वायरस की कंडीशन क्या रहने वाली है, उसके बेस पर उस टाइम पर डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल के टाइम पर अभी प्रीलिम्स का कोई पोस्टपोनमेंट का कोई ऐसा कोई फंडा मुझे तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पर इसको पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन जो भी होगा वो उस टाइम पर कंडीशन के बेस पर जो भी रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के सामने होगा। पर फिलहाल ये सारी बातें दिमाग से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि आप लोगों को अगर एग्जाम की तैयारी आप लोग नहीं करेंगे और इन सब मुद्दों में आप लोग लगे रहेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम हो गया तो फिर आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। तो इसलिए जरा सी भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है। ईपीएफओ के लिए जो भी तैयारी कर रहे थे वो अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपना प्रीलिम्स को फोकस अच्छे से कर सकते हैं, और बाकी का ईपीएफओ का पेपर जो होगा वो मुझे जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी का बाद में देखा जाएगा, ये अब प्रीलिम्स के बाद में ही आप लोगों का पहुंचने वाला है। तो फिलहाल अपना पूरा फोकस आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स पर लगा दीजिए, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अब आप लोग करिए अच्छे से, ठीक है। और बाकी जो भी अगर ईपीएफओ के लिए ही तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स जिसको नहीं देना है, वो अपना ईपीएफओ के लिए ही और अच्छे से अपना चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। अब जो ढीला पड़ गया वो रेस से आउट हो जाएगा, और जो इस टाइम पर भी लगा रहा वही रेस जीत कर चला जाएगा। तो इस टाइम पर जो जो ढीला पड़ जाएगा वही समझिए कि रेस से आउट हो गया है। तो आप लोग किसी भी कंडीशन में ढीला नहीं पड़ना है, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन करेंगे। पहले ओवरव्यू लेंगे न्यूज़पेपर का कि क्या क्या देश दुनिया के अंदर चल रहा है, और उसके बाद में बड़े ही प्यारे एडिटोरियल है यार। आज एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करें। देखो यार न्यूज़पेपर आप लोग जो भी सूटेबल लगे वो फॉलो कर सकते हो, पर लेकिन एडिटोरियल जो है वो द हिंदू का ही आप लोग फॉलो करें, क्योंकि द हिंदू में जो एडिटोरियल होते हैं वो आप लोग किसी भी टॉपर के बारे में बात करिए, किसी भी इंसान के बारे में बात करिए, एडिटोरियल द हिंदू के द्वारा बेस्ट लिखे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक क्रिटिकल माइंड आप लोगों का डेवलप करते हैं, सोचने समझने की क्षमता आप लोगों की बढ़ाते हैं, और शानदार शानदार पर्सनैलिटी किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उसके एम्बेसडर हो गए, मतलब टॉप अथॉरिटी इसके अंदर एडिटोरियल लिखती है। तो आप लोगों के माइंड में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और छोटी मोटी जो न्यूज होती है यार वो तो आप लोग कवर कर ही सकते हैं, जैसे नैनो मैगजीन आती है उसमें मैं कवर करता हूँ काफी डिटेल में, बाकी का यहाँ पर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को न्यूज पेपर का दे देता हूँ, वो अपनी जगह है, पर लेकिन एडिटोरियल द हिंदू के आप लोग मत छोड़ना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उनको आप लोग जरूर पढ़िए, उनको आप लोग जरूर देखिए, जो आप लोग क्रिटिकल माइंड जनरेट करेगा, आप लोग आगे सर्विस में जाने वाले हैं तो उस तरीका माइंड आप लोगों का जनरेट करेगा यहां पर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखें, और बाकी यार सारे न्यूज़पेपर आज के डेट में ऑनलाइन मिलते हैं, आप लोग आसानी से इनको ऑनलाइन ले सकते हैं, सारे अवेलेबल हैं, आप लोग आसानी से इनको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कई सारे तो न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो फ्री प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालिए उसको आप लोग एक पर। हां एक बात और ध्यान रखिए, कई न्यूज़पेपर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक पकड़ लीजिए अच्छे से उसी को फॉलो कीजिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे न्यूज़पेपर आपस में कंपटीशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि अपना टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, जो भी सुटेबल लग रहा है उसको एक बार पकड़ लीजिए और फिर उसको अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम OEF, ये ऑपरेशन जो है वो किस कंट्री का है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है इंडिया का, यूएसए का, रशिया का या फिर चाइना का, कौन सी कंट्री का ये ऑपरेशन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। आंसर बताइए, फिर वीडियो के एंड में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बड़े ही प्यारे एडिटोरियल है यार आज, मजा आ गया पढ़कर, आप लोगों को भी मजा आएगा सुनने में, और क्वेश्चन भी होगा आप लोगों का, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, या तो आप लोग क्वेश्चन जो है फेसबुक पर लिख सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम पर लिख सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे सारे आप लोगों को मिल जाते हैं। आइए जल्दी जल्दी से फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूज़पेपर का, क्या क्या चल रहा है देश दुनियादारी के अंदर। सबसे पहले तो यहां पर बात की जा रही है, आप लोगों का भी नंबर आ गया है COVID-19 की जो वैक्सीन है, अब यहां पर 18 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं उनको भी यहां पर फर्स्ट में से ये प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो स्टेट डायरेक्टली बाय कर सकते हैं यहां पर जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप लोगों के पास में भी अब ऑप्शन रहेगा कि आप लोग अभी ये दवाई लगा सकते हैं। तो जब भी ऑप्शन आज भी आप लोगों के पास में ये इस तरीके का कोई बुलावा आए तो जरूर जाना भंडारे में, अपना भंडारा लेकर जरूर खाना, ठीक है, यानी कि दवाइयां जरूर लगवाना, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे, दवाइयां जरूर लगाइएगा। बाकी बात करें यहां पर जो मोरी जॉनसन साहब जो है, ये वही पर्सनैलिटी है जिनको हमारी कंट्री में 26 जनवरी को बुलाया गया था, तो उस टाइम पर भी यहां पर इनकी डील जो है वो फाइनल नहीं हो पाई थी, उसके चलते फिलहाल जो है अभी COVID-19 के चलते इनकी जो विजिट थी 25 से 26 जो अप्रैल के बीच में, फिर से ये जो है इनकी विजिट जो है वो कैंसिल होने जा रही है। तो देखते हैं
कब यहाँ पर मिलेंगे। आन मिले सजना, काफी दिनों से मिलने की कोशिश की जा रही है पर नहीं मिला जा रहा है, तो देखते हैं कब तक यहाँ पर ये डील बैठ पाती है। आगे बात करते हैं अभी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक जो बॉडी है इसके द्वारा भी एनालिसिस किया गया है कि फिलहाल जो COVID-19 की जो वेव चल रही है उसमें जो डेथ रेट है वो कम है एज कंपेयर टू जो पहले वेव चल रही थी, यानी कि लोगों की जान कम जा रही है। तो इस चीज को थोड़ा से ध्यान में रखें, यहाँ पर इसके द्वारा एक स्टडी की गई है, ठीक है। अभी भी काफी ज्यादा रिस्क है यहाँ पर अबव 60 के बारे में अगर बात करते हैं। अगर कुछ और आंकड़ों के बारे में बात की जाए तो ऐसे कई सारे आंकड़े निकल कर आए जहां पर अभी ये बात बताई जा रही है कि लगभग 15 बॉडी एक दिन में यहां पर जलाई जा रही है। अभी यहां पर जो बात की जा रही है ये दिल्ली गेट के पास में जो क्रिमिनेट करने वाला जो जगह बनाई गई है, इसी के साथ में यहां पर ये गाजियाबाद में बात की जा रही है कि दुनिया भर के लोगों को अभी रिसेंटली 4 दिन के अंदर 180 लोगों को यहां पर क्रिमिनेट किया जा चुका है। और बाकी यहां पर आप लोग देख ही रहे हैं ये भी यहां पर यही कंडीशन सामने निकल कर आ रही है। तो सिचुएशन जो है कुछ आंकड़े बताते हैं कुछ और कुछ कैमरे कुछ कैप्चर करते हैं, तो इसके चलते कई बार दोनों के बीच में एक सिंक्रोनस वे आप लोगों को नजर नहीं आता है। चलिए जो भी है आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया गया अब 6 दिन के लिए, तो इसके चलते फिर से वही अफरा तफरी देखने को मिली जो नॉर्मली आप लोगों को बस स्टैंड पर देखने को मिलती है। माइग्रेंट वर्कर जो है वो कैपिटल को छोड़ने के लिए वो एक तरीके से भीड़ लग गई जो आनंद विहार बस स्टेशन है, जो कि एक इंटर स्टेट कनेक्शन की तरीके से देखा जाता है। अब यहां पर भी सिचुएशन कैसी रहने वाली है वो देखते हैं। COVID-19 के बारे में बात की जाए तो कोई भी यहां पर नॉर्मली आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग वाले फंडे फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा। आखिर सोशल डिस्टेंसिंग वाले फंडे ये क्यों फॉलो करें जब हमारी कंट्री के लीडर हैं अगर कोई रैली करने जा रहे हैं वही यहां पर आप लोग देखिए अमित शाह जी जो है वो मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो लोग हैं वो कम इकट्ठा हुए यहाँ पर रैली के अंदर में, पर फिर भी ये एक छोटा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मास्क जो है यहाँ पर देखते हैं ध्यान से गले में लटका हुआ है, तो ये अगर लीडर है जिनको लाखों लोग करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए तो ये थोड़ा सा सही रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं तो ये सिचुएशन है। एक और काफी इंटरेस्टिंग जो न्यूज सामने निकल कर आई, जैसे ही पता चला दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है तो सबसे ज्यादा जो भीड़ देखने को मिली वो थी शराब की दुकान के सामने। अपना कोटा पूरा कर लेते हैं बाकी जो होगा वो देख लिया जाएगा। पहली बार ये चला था कि सब भाई साहब दारू नहीं सब चाय नहीं पीते हैं, कुछ दारू वाले भी होते हैं दारू की दुकान खोलो, तो ये भी एक अच्छा माहौल देखने को मिलता है कंट्री में, यानी कि किसी चीज के लिए तो इतना डेडिकेशन है कि और सब चीजों को छोड़कर मतलब हद लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, मतलब ये भी एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है देश के अंदर। ये एक अजीब लगता है जब इस तरीके की सिचुएशन निकल कर सामने आती है, मतलब जो इंसान ये इस तरीके से शराब वगैरह दारू वगैरह पीते हैं एक कितनी तकड़ी ललक होती होगी कि मतलब कुछ भी हो जाए बस उसके सामने जाकर लाइन लगानी बस मिल जाए किसी तरीके से। आगे बात करते हैं, ऐसी कोई भी लत न डालो चाहे वो किसी भी चीज की क्यों ना हो, लत हमेशा बेकार होती है। बाकी मेट्रो के बारे में बात करें तो मेट्रो चलेगी यहाँ पर कंटिन्यूअस पर लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। अभी एक बच्चे के द्वारा बोला गया था मेल कि सर मैं दिल्ली से बाहर जाना चाह रहा हूँ, सर ये हो गया वो हो गया मेट्रो चलेंगी क्या, तो मेट्रो चलेंगी ये आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं बाकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। COVID-19 के बारे में बात की जाए तो पंजाब के द्वारा इम्पोज कर दी गई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर COVID-19 के चलते और टाइट रिस्ट्रिक्शन, तो 30 अप्रैल तक ये रहने वाली है, उसके बाद फिर चीजों को चेक किया जाएगा क्या कंडीशन बन रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सुधरते, कुत्ते की पूंछ रहती है, कितना भी लंबे नुल्के में रखो वैसी चलती रहती है। अभी ऐसे ही कई सारे लोग गिरफ्तार किए गए, 3,000 करोड़ की इनके पास में से जो दवाइयां हैं वो सारी इनके द्वारा ये हमारी कंट्री में जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा सीज किया गया है, तो ये एक्टिविटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जिसमें यहां पर ये कई बार यहां पर ऐसी चीजें जो होती हैं ये सप्लाई की जाती हैं, तो फिलहाल ये पकड़ ली गई है, चलिए अच्छा है जहां पहुंचनी है वहां पहुंच जाएगी। अभी यहां पर एक बुरी खबर निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी जिनका नाम है सुमित्रा भाव, ठीक है, तो यहां पर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, नेशनल फिल्म अवार्ड विनर भी यहां पर ये रह चुकी है, तो अब ये हमारे बीच में नहीं रही, ठीक है। इसी के साथ में एक मिशन है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन, इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ये COVID-19 में फंसे हुए जो इंडियन है उनको इंडिया में लाने की बात की जा रही थी, तो ये मिशन हमारे कंट्री में लॉन्च किया गया था, तो ये काफी अच्छा रहा जिससे काफी सारे लोगों को हम लोग निकाल पाए वहां से, तो उसी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहां पर। जयशंकर साहब जो है अपनी ट्रिप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पूरी कर वापस आ गए पर लेकिन साइलेंट हैं कि पाकिस्तान के साथ में क्या बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शाह महमूद कुरैशी वो भी वहां पर पहुंचे थे, तो बैक चैनल से दोनों की बात चल रही है, तो क्या यहां पर सही डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ पा रही है उसके बारे में भी कोई बात नहीं बताई जा रही है, यानी कि सारी जो भी चीजें हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो अंडर कवर रखी जा रही है, तो कब निकल कर सामने आएगी जब भी आएंगी आप लोगों को बता दी जाएंगी। बाकी मनमोहन साहब जो है जो अभी COVID-19 के बारे में बता रहे थे ऐसे टैकल
करो वैसे टैकल करो, खुद ही कोविड 19 की चपेट में आ गए। तो देखिए, एक तो एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए, तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, तो हम तो यही दुआ करेंगे। बाकी रसिया के बारे में बात करें तो रसिया के जो अपोजिशन के लीडर अलेक्सी नवेली, इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि डॉक्टर ने बोला कि किसी भी टाइम ये इंसान की जान जा सकती है। अगर ये इंसान रसिया के अंदर से खत्म हो गया तो समझिए व्लादिमीर पुतिन के सामने का रोड़ा चला गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, उसके सामने कोई ब्रेक नहीं होगा, 2036 तक का उसको कोई टच करने वाला नहीं होगा व्लादिमीर पुतिन को। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है कंडीशन खराब है। तो इसी के चलते यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने मॉस्को को वॉर्न किया है कि अगर इसको कुछ हुआ तो फिर देखिए और ज्यादा सेंक्शन आपके ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर अभी इनको अभी जो जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर अभी इनको ट्रांसफर किया गया है, तो चांस कम ही है। देखिए अगर पुतिन के सामने कोई आता है तो चांस कम ही है कि वो बच पाता है, तो काफी कम चांस है कि यहाँ पर इनकी जान बच पाएगी। बाकी जो भी होगा वो देखेंगे अभी आगे चलकर। नासा के बारे में अगर बात की जाए तो नासा का जो हेलीकॉप्टर है जो मार्स के ऊपर भेजा गया था, सबसे पहले तो ये याद रखना नासा जो है वो पहली ऐसी स्टेट एक ऐसी स्पेस एजेंसी बन गई है जिसके द्वारा हेलीकॉप्टर भेजा गया किसके ऊपर, मार्स के ऊपर। तो हेलीकॉप्टर जो है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली यहां पर और कुछ नजारा दिखाया कि कैसी कंडीशन वहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इंजीनियरिटी है यहां पर, नाम याद रखिएगा इसका, 10 फीट अबोव यहां पर उड़ा 39 सेकंड के लिए, तो इसने यहां पर ये उड़ान भरी। तो देखते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहां से मिल पाती है। बाकी ये ऐसी चीजें अगर हम लोग कर पा रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में और सुनहरा भविष्य देखने को मिलेगा इन सब चीजों के बारे में कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट यहां पर अभी बात की जा रही है कि चाइना के अंदर जो भी जिंगजियान वाला रीजन है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर काफी लोगों को यहाँ पर खासकर जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो जो ह्यूमन राइट वॉच है उसके द्वारा बोला गया कि इस रीजन की प्रोब करनी चाहिए कि चाइना किस तरीके से लोगों को यहाँ पर सप्रेस कर रहा है। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा रहता है कि एक साइड में तो चाइना ये बोलता है कि हाँ हम लोग अगर कुछ भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो जाता है तो उसके ऊपर कमेंट करता है, और खुद अपनी कंट्री के अंदर देखिए ठीक है कि क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। यानी कि वही बोलते हैं कि दूसरों के ऊपर कमेंट करना आसान है, अपने गृहमान में झांको तो पता चलेगा। क्यूबा के नए लीडर आ गए हैं राहुल कास्ट्रो को रिप्लेस कर यहां पर, इनका नाम है यहां पर मुगेल दियाज कैनाल, ठीक है। तो अभी ये एमडीसी नए लीडर यहां पर देखने को मिलेंगे, सबसे पहले यहां पर फिदल कास्ट्रो, फिर उनके बाद में राहुल कास्ट्रो, और फिर यहां पर अब ये तीसरी पर्सनैलिटी यहां पर आ गए हैं। तो क्यूबा जो है वो पहले के कंपेयर में अब ज्यादा ओपन और इसी के साथ में सही डायरेक्शन में चीजें चलती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं अब सिचुएशन कैसी बनती है, यूएसए के साथ में कैसे रिलेशन होते हैं। पहले यूएसए के साथ में रिलेशन काफी बुरे थे, जो बात करें खासकर जो बाइडन के द्वारा अब रिलेशन को इंप्रूव किया जाएगा क्योंकि बराक ओबामा के द्वारा एक नई स्टार्ट की गई थी, तो वो बातें अभी देखने को मिलेगी। ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो अभी ड्राफ्ट के फेज में पहुंच रही है, यानी कि अब कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी क्योंकि वियना जो टॉक है उसके चलते अभी यूएसए जो है जो 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी उसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं कितने अच्छे से यहां पर चीजों को रिवाइव कर पाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर धमाल जारी है, एक महाभारत चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, गृह युद्ध जैसी कंडीशन बनी हुई है, तो सिचुएशन काफी खराब है। देखते हैं कंडीशन क्या सुधरती है, यहां पर सुधरती है या फिर नहीं सुधरती है। वो बोलते हैं ना कि सांप को दूध पिलाओगे तो तुमको ही काटेगा, तो वही एक माहौल देखने को मिल रहा है। तो जितना दूध पिलाया अब यहां पर उसको उसका फल भी मिल रहा है। चलिए जो भी है हम तो यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे पड़ोसी देश में भी, उसी के बारे में थोड़ी सी यहां पर इन्फॉर्मेशन है। आइए अब कुछ एडिटोरियल है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक कर यहां पर इनके बारे में समझेंगे। ये वाला जो एडिटोरियल है और ये वाला जो एडिटोरियल है तो हेल्थ केयर के बारे में है, कोविड 19 के बारे में, तो वही सब बातें डिस्कस की जा रही है कि कैसे दवाइयां प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो खत्म हो रहे हैं तो किस तरीके से उसको सप्लाई करना चाहिए, तो वही सब बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी डे बाय डे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ये इतने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर साइड में, ये अभी नीरव मोदी को इंडिया के अंदर लाया जा रहा है तो उसके बारे में है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बैंकिंग सिस्टम की जो व्यवस्था है उसको समझेंगे। ये वाला आर्टिकल काफी प्यारा आर्टिकल है ऑर्डिनेंस के बारे में, जिसको हिंदी में आप लोग अध्यादेश बोलते हैं, तो अध्यादेश जारी किया जा रहा है तो उसके बारे में आर्टिकल है, क्या अध्यादेश जो है वो सही तरीका है। तो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और हाँ, इंटरव्यू भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी फिलहाल जो है लगभग 2 महीने तो मुझे नहीं लगता है कोई चीजें नॉर्मल होने वाली है, 2 महीने तक तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद में देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में बात की जा रही है, तो समझते हैं क्या कंडीशन निकल कर आएगी केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग के जो प्रोजेक्ट है। काफी प्यारा, काफी डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, बहुत सारी आप लोगों को चीजें जानने को मिलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है तो उसके बारे में बात की जा रही है।
ज्यादा तो नहीं पर हाँ हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में भी होना चाहिए, ठीक है। तो समझेंगे, आइए ये आज का कार्टून है आप लोगों के सामने। जो ममता जी हैं वो घर से बैठे बैठे अपने कैंपेन को बेसिकली एग्जीक्यूट कर रही हैं, और दिखाया जा रहा है कि मोदी जी हैं वो अच्छे खासे रैली में घूमते एक तरीके से फिर रहे हैं, ठीक है। तो वही है सारी चीजें। बाकी यहाँ पर ये मैप दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों के सामने एक एनालिसिस है यहाँ पर, जिसको आप लोग देखते हैं। मैप वन और मैप टू को यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर चीजें बढ़ रही हैं, किन एरिया में कहाँ कहाँ पर कितने सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके सामने दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए कंडीशन जो है वो ज्यादा अच्छी तो आप लोग नहीं बोल सकते हैं, ये खराबी है जैसे सिचुएशन अभी फिलहाल बनी हुई है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो काफी प्यारा आर्टिकल है इसके बारे में पहले समझते हैं। ये जो आर्टिकल है बात कर रहे हैं रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। हमारी कंट्री में कई सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हैं, आप लोग यहाँ पर देखते हैं लगभग 30 के करीब रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हैं। ये जो 30 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें से जो पेनिनसुलर जो इंडिया के अंदर है यानी कि जो साउथ इंडिया के अंदर है वो लगभग 16 हैं, और इसी के साथ में जो 14 के करीब हैं ये हैं ऊपर यानी कि जो हिमालयन रिवर के हैं। हिमालयन रिवर कैसी होती है, वो एवरग्रीन रिवर होती है यानी कि बर्फ पिंगल पिंगल कर आता रहता है तो वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। पर लेकिन जो साउथ इंडिया की रिवर है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर में मॉनसून अच्छा आया तो ये खिलखिलाकर चलने लगती हैं, और जैसे ही यहां पर जो मॉनसून है वो गया फिर इनकी जो खस्ता हालत होने लगती है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में जो इंटर रिवर लिंक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक रिवर में पानी ज्यादा है जिसकी वजह से बाढ़ आती है, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक रिवर में पानी कम है तो उस पानी ज्यादा वाली रिवर में से पानी कम वाली रिवर में अगर आप लोग पानी पहुंचाते हैं तो उसकी वजह से यहां पर ये बेसिकली रिवर को इंटरलिंक किया जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। अगर देखो इसको तो यहां पर बात किसके बारे में की जा रही है, बात की जा रही है यहां पर केन एंड बेतवा। केन और बेतवा दो रिवर हैं, पहले आप लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए तब आप लोग अच्छे से जान पाएंगे। केन बेतवा जो रिवर है यहाँ पर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से दोनों, और ये जो ट्रिब्यूटरी है ये है किसकी, ये है यमुना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात एक और है यहाँ पर, केन जो रिवर है ये यमुना से मिलती है कहाँ पर, यह है बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, और बेतवा रिवर मिलती है यहाँ पर यह हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये है यमुना की ट्रिब्यूटरी। केन रिवर जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसके पास थ्रू होकर निकलती है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस की है, जो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया जाता है कि हाँ भाई साहब ये प्रोजेक्ट जो है नेशनल प्रोजेक्ट बन गया, तो उस टाइम पर कंडीशन ये बनती है कि नेशनल प्रोजेक्ट बनते ही 90% जो उसका खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो है वो स्टेट से निकल कर आता है। तो 90% जो केन बेतवा जो लिंक है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर निर्वाह करेगी और 10% जो होगा वो दोनों स्टेट मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है नेशनल प्रोजेक्ट की, अगर किसी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोगों के माइंड में अगर एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूं, कौन सी रिवर में से पानी कौन सी रिवर में ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर आप लोगों से ये पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे, नाम है केन बेतवा, तो केन में से बेतवा में जा रहा है, बेतवा से केन में जा रहा है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए वीडियो को यहीं पर ही पॉज करके, देखता हूं कितने सही आंसर बताते हैं। चलिए बताइए आप लोग, आप लोग यहां पर देख सकते हैं बात की जा रही है बेतवा के बारे में, हो गई बेतवा और ये है केन। तो नॉर्मली नाम पहले किसका है, नाम पहले है केन का, तो केन में से पानी जाएगा किसके अंदर, बेतवा के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये याद रखेगा, तो जो केन रिवर है उसमें से पानी जाएगा बेतवा के अंदर में, तो सरप्लस पानी जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, और ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आने वाली है लगभग 18,000 करोड़ रुपए यहां पर एक्सपेक्टेशन इस कॉस्ट की लगाई जा रही है। तो काफी ह्यूज यहां पर इसके ऊपर खर्चा आने वाला है, और जो ये फायदा पहुंचाएगा जो बुंदेलखंड वाला रीजन है जो कि काफी ज्यादा ड्रोथ वाला रीजन माना जाता है यानी कि सूखा पड़ता है यहाँ पर, उसमें यहाँ पर ये फायदा पहुंचाएगा। ये तीन डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, बेसिकली ये वाली इमेज देखिए, ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के जिसका नाम है छतरपुर पन्ना और इसी के साथ में टीकमगढ़, और उत्तर प्रदेश के हो गए झांसी बांदा महोबा और इसी के साथ में ललितपुर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को नजर आएगा जो कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो जिस रीजन से यहाँ पर ये होकर आगे बढ़ेगी, मैक्सिमम जो रीजन है यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश को कम फायदा पहुंचाएगा, मध्य प्रदेश को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल एरिया काफी अच्छा खासा कवर किया जाएगा इसके द्वारा, 6,35,661 जो हेक्टेयर के करीब यहाँ पर इसके द्वारा एरिया कवर किया जाएगा। 18,000 करोड़ रुपए मैंने अभी बोला कॉस्ट आएगी। इसको बेसिकली हमारी कंट्री में एनएचपीसी, ये बेसिकली एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है जो कि मिलकर काम किया जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी लगाया जा रहा है 78 मेगावाट का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाएगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, तो कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर बोल
बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर जो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा है लोग, ये पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 10% एरिया कवर करने वाले हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में नुकसान पहुंचेगा। तो इसके चलते इसको लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, और इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट का कोई भी अगर कहीं नाम आता है तो ये सारे पॉइंट आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इशू क्या क्या है, तो ये कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, आप लोगों को फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा ध्यान से सुने तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आर्टिकल 262 का जो सेक्शन 1 है ये बेसिकली डील करता है हमारी कंट्री में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो लड़ाई हो रही है पानी को लेकर उसके बारे में बात करता है। हमारे संविधान के निर्माता भी ये बात जानते थे कि जब राज्यों को डिवाइड किया जाएगा बाउंड्री के बेसिस पर तो यहां पर पानी को लेकर लड़ाई होगी, तो इसलिए यहां पर पहले से ही आर्टिकल मेंशन कर दिए गए इसके अंदर कि रिवर का पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है ये आर्टिकल 262, ठीक है, तो याद रखिएगा 262, ठीक है, बीच में रिवर होगी और साइड में दो इस तरीके से, ठीक है, तो ये याद रखना। आर्टिकल 262 का जो सेकंड नंबर पार्ट है यहां पर, ये सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट को या फिर कोई भी कोर्ट कंट्री के अंदर इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बेसिकली क्यों रीजन है यहां पर, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी इश्यू इस तरीके से कोर्ट में पहुंच गया तो काफी लंबे समय तक ये चीजें पेंडिंग पड़ी रह सकती हैं, और उसके चलते उस पर्टिकुलर रीजन में सूखा पड़ सकता है, काफी सारा नुकसान उसको फेस करना पड़ सकता है, तो कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ सकती है, ठीक है। तो नाइदर सुप्रीम कोर्ट नोर एनी कोर्ट शैल एक्साइज जुडिशन इन रेस्पेक्ट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो सेंट्रल स्टेट मिलकर यहां पर इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, तो ये बेसिकली यहां पर इस आर्टिकल में बोला गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे, सातवां शेड्यूल है, सातवें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल जब आप लोग जाकर लिस्ट आप लोग जाकर देखेंगे तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौन कैंड लिस्ट, तो यहाँ पर जो वोटर है यहाँ पर इस तरीके से वोटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है यहाँ पर, जैसे आप लोगों को बताया था ना मैंने हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट लिस्ट में यहाँ पर आता है, तो स्टेट म्यूचुअली मिलकर यहाँ पर वोटर शेयरिंग एग्रीमेंट पर भी आ सकते हैं, पर लेकिन सेंटर भी इनकी हेल्प कर देता है कई बार, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एंगल आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में नहीं, अगर किसी भी राज्य के डिस्प्यूट के बारे में, पानी की लड़ाई के बारे में बात आती है तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फोल्डर यहां पर हो जाता है, ये आप लोग आंसर में भी और वैसे भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अभी इनके द्वारा केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है जिसको KBLP बोला गया है, तो ये इसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, और हमारी कंट्री में नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, उसके तहत यहां पर ये काम किया जा रहा है, यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि केन बेतवा जो लिंक है यहां पर प्रोजेक्ट वो किसके तहत चल रहा है, तो नेशनल प्रोस्पेक्टिव जो बेसिकली यहां पर प्लान है, ठीक है, तो यहां पर ये इसके हिसाब से काम चल रहा है। अगर बात करें यहां पर, ये प्रोजेक्ट जो है ये साइन किया गया ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, यानी कि सेंटर हो गया एक साइड में और दो एक राज्य हो गए यहां पर, दोनों राज्य, तो तीन पार्टी के द्वारा मिलकर वर्ल्ड वाटर डे के दिन यहां पर इसको फाइनली इंप्लीमेंट करने की बात की गई, जो कि 22 मार्च को आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वर्ल्ड वाटर डे के दिन है 22 मार्च को, तो याद रखना, ठीक है। मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से जब रिवीजन की वीडियो आई थी उसमें डिटेल में ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, जब मार्च के रिवीजन की वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, तो उसको जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। अप्रैल जब खत्म हो जाएगा उसकी रिवीजन की वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यहां पर लगभग 77 मीटर का यहां पर अभी जिसका नाम है आप धादुहन, ठीक है, तो यहां पर ये एक डैम बनाया जा रहा है, इसी के साथ में यहां पर 230 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई जाएगी, ठीक है, तो याद रखिएगा धादुहन डैम के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में DHAUDHN, ठीक है। तो ये जो डैम है, ये जो बांध बनाया जा रहा है, तो इसकी हेल्प से यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना यहां पर बिजली बनाई जाएगी, ठीक है, तो इसकी हेल्प से यहां पर बिजली बनाई जाएगी 78 जो यहां पर मेगावाट का जो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, तो ये इसी पर्टिकुलर डैम के ऊपर है। केन बेतवा जो यहां पर ये एक अकेला लिंक है यहां पर, ऐसे ही 30 लिंक हमारी कंट्री में क्रिएट किए जा रहे हैं, यानी कि 30 में से एक केन बेतवा भी है जो कि पानी को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। एडवांटेज क्या होता है इंटरलिंक करने का रिवर को, एक तो रिड्यूस कर दिया जाता है ड्रोथ, यानी कि जो सूखा है उसकी जो एक तरीके से हम लोग घटा पाएंगे, जैसे यहां पर बात की जा रही है बुंदेलखंड वाले रीजन के बारे में, अगर सूखा घटता है तो जो किसान है कई बार सूखे की वजह से कई सारे रीजन की वजह से उनकी फसल फेल हो जाती है, इरिगेशन इनकी सिंचाई नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बिजली नहीं आती है और दिक्कत देखने को मिल जाती है, तो कई सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं, तो फार्मर को भी ये फायदा पहुंचाएगा और सुसाइड कम करेगा, और फार्मर को जो बेसिकली बात की जा रही है इनकम को डबल करने का, तो उसमें भी हेल्प करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम करेगा, या बात की जा रही है कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए फायदा पहुंचाएगा, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए फायदा पहुंचाएगा, तो देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी
के लिए फायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए फायदा पहुंचाएगा, नेक्स्ट यहां पर इरिगेशन के लिए फायदा पहुंचाएगा और मछली पालन के लिए फायदा पहुंचाएगा। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अगर होता है तो उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। रिज्यूनेट करेगा बायोडाइवर्सिटी, इसी के साथ में जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व या फिर दूसरा जो भी एरिया है वहां पर भी जो वाटर बॉडीज है वो भी फिर से यहां पर हरी भरी दिखेंगी, पानी देखने को मिलेगा। तो रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन में यहां पर पानी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। पर लेकिन इसका दूसरा भी नेगेटिव इश्यू भी है, ठीक है, एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचेगा। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या फिर जो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं वो बोलते हैं कि जो क्रिटिकल टाइगर रिजर्व है जहां पर कई सारे टाइगर वगैरह रहते हैं उसमें से होकर गुजरेगा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा भी यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कि ये किस तरीके से क्या क्या इंपैक्ट डालने वाला है वो चेक करना पड़ेगा। इकोनॉमिक कॉस्ट 18,000 करोड़ रुपए इतना कॉस्ट खर्चा यहां पर आ रहा है। कई सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद में इतना आउटपुट निकल कर नहीं आएगा जितना सोचा जा रहा था, और जितना डिले होता जा रहा है प्रोजेक्ट उसकी वजह से कॉस्ट और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो वो भी दिक्कत देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, लगभग 20,000 के करीब जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाएगा। तो ऑलरेडी जो पास्ट में जो प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लाए गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है उसकी वजह से भी हम लोग बहुत सारे लोगों को अब तक रिहैबिलिटेट नहीं कर पाए हैं, तो वो भी अब तक कई बार इश्यू सामने निकल कर आते हैं। तो कैसे आप लोग यहां पर इसको मुद्दे को सुलझाओगे। तीसरा जो यहां पर नेक्स्ट जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 7.2 लाख ट्री काटे जाएंगे इसके लिए, यहां पर दुनिया भर के पेड़ काटे जाएंगे इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जब यहां पर ये टाइगर रिजर्व में से होते हुए गुजरेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में, हमारी कंट्री वर्ल्ड में मोस्ट कैटेगरी में आती है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर पेड़ काटेंगे तो किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, तो ये भी एक काफी बड़ा इश्यू होगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट मुद्दे जो आप लोग याद रखेगा जिनको आप लोग मेंशन कर सकते हैं अगर यहां पर कोई भी ऐसा इंटरलिंक रिवर का कोई प्रोजेक्ट आता है तो मोर और लेस ये पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब यहां पर बात करते हैं जिस प्रोजेक्ट के तहत इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर, तो ये है यहां पर जो कि याद रखेगा नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट है यहां पर जिसको फॉर्मली नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के नाम से भी जानते थे। एक रिवर में सरप्लस यानी कि ज्यादा पानी है, दूसरी रिवर में डेफिसिट यानी कि कम पानी है, तो सरप्लस में से डेफिसिट वाली एरिया में पानी पहुंचाया जाएगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा नेशनल प्रोस्पेक्टिव जो प्लान है यहां पर हमारी कंट्री में 30 रिवर को इंटरलिंक करने की बात कर रहे हैं जिसमें से 16 तो है पेनिसुलर यानी कि जो हमारा साउथ इंडिया का जो रीजन है और 14 है यहां पर हिमालयन रीजन वाला, ठीक है। तो इसके चलते वाटर सरप्लस जो है डेफिसिट में पहुंचाया जाएगा और 1980s में यहां पर ऐसा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही थी। तो ये जो आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट है इनको याद रखते हैं, जैसे ऊपर बात करें तो महानदी गोदावरी को इंटरलिंक करने की बात की जा रही है, मतलब बहुत सारी रिवर है यहां पर अगर आप लोग देखिएगा, केन बेतवा 10वें नंबर पर इसमें लिखी हुई है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर यह है पार तापी और नर्मदा, ठीक है, इसी के साथ में बेदी वर्धा। तो अगर आप लोग इनमें से किसी राज्य में जिसमें भी आप लोग आते हैं और ये रिवर आपके राज्य में से अगर फ्लो करती है तो आप लोगों को इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया कम से कम होना चाहिए, और अगर ज्योग्राफी आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप लोगों को इनके बारे में पता होना ही होना चाहिए, या फिर अगर जैसे किसान के बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली इस तरीके जो रिवर प्रोजेक्ट है किसानों के ऊपर काफी इंपैक्ट डाल रहे हैं तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आप लोगों के लिए बन जाते हैं, तो काफी अच्छा एडिटोरियल मुझे ये लगा पर्सनली और काफी अच्छे से आप लोगों को कई सारी चीजें यहां पर जानने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात करेंगे अभी किसके बारे में, ये रशिया के बारे में और इंडिया के रिलेशन। तो इस तरीके से जो ग्रुपिंग और एग्रीमेंट वाली कैटेगरी होती है या फिर जो बायलेटरल एग्रीमेंट होते हैं तो वहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जीएस सेकंड के अंदर में। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि डिस्पाइट द फॉरेन पॉलिसी, जो गोल है इंडिया और रशिया की वो अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, रशिया जो है वो चाइना के साथ मिल रहे हैं, इंडिया यूएसए के साथ मिल रहे हैं, फिर भी जो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के टाई स्टेट जो दोनों की जो संबंध है वो मजबूत होने चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करने हैं। आखिर ये आर्टिकल क्यों आया, पहले तो आप लोगों के माइंड में ही आना चाहिए। ये आर्टिकल इसलिए है क्योंकि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है अभी हमारी कंट्री में आए हैं और इससे पहले फरवरी के महीने में हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रशिया गए थे, तो उसी के चलते यहां पर ये आर्टिकल सामने निकल कर आ रहा है। तो इंडिया और रशिया के रिलेशन किन किन बातों को लेकर अभी टेंशन में है, तो उसके बारे में कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले यहां पर अगर बात करें, अभी हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया था और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया, तो इंपोर्टेंस क्या है रशिया फॉर इंडिया, रशिया की इंडिया के लिए क्या इंपोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो चाइना को बैलेंस करने के लिए काम आता है रशिया, अगर बात की जाए दोनों के बीच में जो टेंशन चलती है उसको रोकने के लिए चाइना को बैलेंस करने के काम आता है, खासकर इंडिया के लिए काफी इंपोर्टेंट है। रशिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था ट्राइलेटरल मीटिंग, जब यहां पर फॉरेन मिनिस्टर की रशिया के द्वारा जब यहां पर गालवान वैली में जो झड़प चल रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से रशिया काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। इसी के साथ में बात करें रशिया आज के डेट में और कई सारे रीजन में, नॉर्मली तो वेपन के फील्ड में अगर बात करें रशिया काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। वेपन के मामले में अगर मैं आप लोगों को बताऊं रशिया से आज के डेट में हम लोग लगभग 50% यानी कि 49% के करीब
हमारा जो सप्लाई है ये रेसे से खरीद रहे हैं। ये किसके द्वारा बताया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। सिप्री याद रखेगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक ऐसी जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है कि किस किसके बीच में डिफेंस के टाई क्या चल रही है। तो इसके द्वारा बोला गया 2016 से लेकर 2020 तक का लगभग 50% जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है हम लोगों ने रशिया से किया। तो रशिया से सबसे ज्यादा करते हैं हम लोग डिफेंस प्रोक्योरमेंट, दूसरे नंबर पर फ्रांस आ गया, तीसरे नंबर पर इजराइल आ गया, और चौथे नंबर पर यहां पर यूएसए आज की डेट में। पर लेकिन फिर भी जो रशिया है पहले लगभग 76% या फिर 80% के करीब हम लोग करते थे, अब यहां पर ये 50% आ गया, तो घटा है काफी रशिया से। तो रशिया इस चीज को लेकर गुस्सा भी रहता है, ठीक है, क्योंकि आज के दिन में हम लोगों ने अपना और ज्यादा डाइल्यूट कर दिए चीजें। तो इसके चलते रसिया हाइड्रोकार्बन न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में, आप लोगों ने देखा कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसी के साथ में रसिया जो है एग्रो इंडस्ट्री हाई टेक्नोलॉजी, रसिया बोलता है कि हम आपको हाई टेक्नोलॉजी देते हैं और कोई नहीं देता है, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक और कई सारे फील्ड में हम लोग काम करते हैं। टेररिज्म को कम्बैक्ट करने में रसिया काफी हेल्प करते हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये भी आप लोग याद रखेगा, क्योंकि रसिया जो है अभी रिसेंटली यहां पर, ये एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये नीचे चला गया, बैलेंसिंग रसिया, ठीक है, 26 कर देते हैं, थोड़ा सा कम, चलो अभी यहीं रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं तो रसिया जो है इसके बारे में अगर बात की जाए तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये है क्या, ये है यहां पर इंडिया रसिया जो है क्लोज ग्रुपिंग है, अफगानिस्तान को भी टैगल, अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाकर रख रहानी है, और यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म, तो इसको बेसिकली हम लोग मिलकर काम करते हैं, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर शांति कैसे रखनी है उसके लिए इंडिया और रसिया मिलकर काम करते हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जहां पर रसिया काफी अच्छे से रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ में S-400 सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं, S-400 सिस्टम जो है ये हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं हमारे लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो रसिया हम लोग को ये सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए आप लोग ये रास्ते के बारे में आप लोग याद रखिएगा, अगर बात करें यहां पर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये आप लोग यहां पर जो रूट देख सकते हैं, एक तो यहां से होता हुआ जाता है यहां पर ये रेड सी से होता हुआ, मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ, इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया के साथ में, और बाकी यहां पर ईरान से होता हुआ ये अजरबैजान, ये अस्थि मॉस्को होता हुआ यहां पर जाता है, एक तो ये कनेक्टिविटी, और दूसरा चेन्नई को यहां पर ये व्लादिवोस्तोक से कनेक्ट करने की बात की जा रही है, चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक जो कनेक्टिविटी है ये मैरीटाइम, ये आप लोग यहां पर देखते हैं साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी से होता हुआ और यहां पर ये प्रोजेक्ट पहुंचता है। तो इंडिया के द्वारा 1 बिलियन का ये यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया गया इस प्रोजेक्ट को, जो कि रशिया के फॉरेस्ट रीजन में ये डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एक साइड में तो यहां पर रशिया के साथ में रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, पर लेकिन हम लोग काफी एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रशिया जो है हमारा एक एवरग्रीन फ्रेंड माना जाता है अगर पास्ट में आप लोग देखोगे, तो रशिया काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर मल्टीलेटरल फोरम में आप लोग बात की जाए तो रसिया हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के लिए भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, रसिया हमेशा हमको इस एरिया में सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। अब इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है रसिया के लिए, इंडिया के लिए रसिया काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसिया नहीं चाहता है कि कल को रसिया को यहां पर चाइना का जूनियर पार्टनर बनाकर देखने लगे कि रसिया तो जो है चाइना का जूनियर पार्टनर है, तो इसलिए इंडिया को भी साथ में लेकर चलते हैं, जिसके चलते यहां पर रसिया जो है वो इंडिया को अगर साथ में लेकर चलते हैं तो एक बैलेंस यहां पर बना रहता है। इसी के साथ में जो यहां पर यूरेशियन इकोनॉमिक जो यूनियन है उसमें इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट ह्यूज यहां पर देखने को मिल रही है, अभी मैंने आप लोगों से बात की जो फॉरेस्ट वाला रीजन है उसमें मिलकर काम यहां पर कर रहे हैं। इंडिया अभी मेन चैलेंज क्या है अगर देखा जाए तो देखिए इंडिया जा रहा है वेस्ट की साइड यानी कि यूएसए की साइड में, ठीक है, तो इसके चलते रशिया को चिंता होती है क्योंकि क्वाड ग्रुप का मेंबर बन रहे हैं और क्वाड को एक मिनी नेटो के तरीके से देखा जा रहा है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, तो ये एक अलग तरीका माहौल क्रिएट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यहां पर इसको इंडो पैसिफिक रीजन जब बोलते हैं तो ये इसका मतलब होता है कि इंडिया ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में जो भी रीजन है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो ये इंडिया को ध्यान में रखते हुए चीजें आगे लेकर चली जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो रसिया बेसिकली क्वाड ग्रुप के अपोज में है यहां पर जब भी ऐसी बात की जाती है, तो इसीलिए रसिया कहां जा रहा है, रसिया ईस्ट की साइड में जा रहा है, यानी कि रसिया G7 कंट्री में पहले G8 हुआ करता था, पर लेकिन 2014 में क्रीमिया वाला इश्यू जब आया यानी कि जो यहां पर यूक्रेन से क्रीमिया रशिया के द्वारा हड़पा गया रेफरेंडम के थ्रू, तब से यहां पर जो वेस्ट कंट्री है वो काफी ज्यादा चिढ़ चुके हैं यूरोपियन कंट्री, तो इसलिए यहां पर ये तुर्की, ईरान, पाकिस्तान के साइड में अच्छे रिलेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये वेस्ट को छोड़कर ईस्ट के साइड में आ रहा है चाइना के साथ मिलकर, और यहां पर इंडिया जो है वेस्ट में जा रहा है जैसे कि फ्रांस हो गया, इसी के साथ में यूएसए हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन की कंट्री, उनके साथ में रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कुछ मतभेद अभी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ में हाथ बढ़ा रहे हैं, सॉरी यूएसए के साथ में हाथ बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही रशिया जो है वो पाकिस्तान के हाथ में बढ़ा रहा है,
हाथ साथ में हाथ बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक काफी बड़ा इशू बार बार डिस्कस किया जाता है। तो ये भी एक मुद्दा है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो फिलहाल अभी सदमे में चल रहे हैं। अभी रशिया के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी अफगानिस्तान में शांति कैसे रखनी है, तो उसमें इंडिया को इन्वाइट नहीं किया, तो उसके चलते भी इशू चल रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात की जाती है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं यार, ये आर्टिकल बहुत ही प्यारा लगा मुझे पर्सनली, इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। पहले आप लोगों को कुछ प्रोविजन बता दूं हमारे संविधान के बारे में। संविधान के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 1, 2, 3 ये पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप लोग ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 213 ये पावर देता है गवर्नर को, जो कि गवर्नर जो है वो अध्यादेश ला सकता है, स्टेट के अंदर में ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। आखिर ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली कई सारी स्टेट गवर्नमेंट है धड़ल्ले से यहां पर कई सारे ऑर्डिनेंस ला रही है, और कई सारी ऐसी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कई सारे ऐसे ऑर्डिनेंस है जो धड़ल्ले से लाए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस लाया कब जाता है? ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है अगर हमारी पार्लियामेंट जो है या फिर असेंबली जो है वो काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पर कोई ऐसा अर्जेंट इशू बन गया कि नहीं यार ये लॉ लाना चाहिए और चेंज करना चाहिए जनता के फेवर में, तो उस टाइम पर ऑर्डिनेंस लाने की बात की गई थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। पर लेकिन फिलहाल जो है ये खिलौना बन चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ का, वो बाईपास की तरीके से यूज करने लगे पार्लियामेंट को, स्टेट असेंबली को, जो गवर्नमेंट होती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंटर और यहां पर स्टेट को परमिट करते हैं कि यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर सेशन में नहीं है तो आप लोग यहां पर ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं। ये लेजिस्लेटिव फंक्शन एक तरीके से होता है जिसमें ये पावर प्रोवाइड कराता है कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट कोई है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट से आप लोग काम कर सकते हैं। पर लेकिन ये 6 हफ्तों के लिए होता है, बेसिकली 1.5 महीने के बाद में एक्सपायर हो जाता है। तो मैक्सिमम अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एज क्या होती है ऑर्डिनेंस की, तो मैक्सिमम एज हो सकती है 6 महीने और 6 वीक। 6 महीने 6 वीक क्यों? क्योंकि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम 6 महीने हो सकता है, वरना दो बार तो मिलना, वो इस साल में 2 बार तो मिलना ही मिलना है, ये संविधान की ओब्लिगेशन है। तो अगर 6 महीने मैक्सिमम यहां पर मिलने में लग गया टाइम, और 6 हफ्ते यहां पर ये हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से 6 महीने ये आप लोगों को 6 वीक, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं छोटे मोटे मोटे तौर पर 7.5 महीने मैक्सिमम यहां पर टाइम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम टाइम है ये। नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो 6 वीक होता है, 6 वीक के बाद में यहां पर ये लैप्स हो जाता है। पर लेकिन अभी अगर आज की डेट में आप लोग बात करिए तो कंडीशन क्या बनी हुई है, एक बार ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया फिर से रीप्रमोगलेट उसको कर दिया जा रहा है, यानी कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जब संविधान बनाया जा रहा था, वो इस बात के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यार कोई ऑर्डिनेंस इस तरीके से लाना चाहिए, उसके बारे में जब चीजें डिस्कस की जा रही थी, तो यहां पर सम मेंबर जो पूछ रहे थे कि लैप्स होना चाहिए विद इन 4 वीक, ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है तो सफिशियंट टाइम होना चाहिए यहां पर अर्जेंट जो सेशन पार्लियामेंट का, तो उसके चलते फिर चीजें रीप्रमोगलेट की जाए। तो यहां पर उनके द्वारा ये सोचा भी नहीं गया था कि कोई ऐसी भी सिचुएशन बनने वाली है क्या कि ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया कि उसको रीप्रमोगलेट भी किया जा सकता है। तो वो बेचारे तो सीधी साधी सभा में संविधान बना रहे थे, उनके द्वारा ऐसा सोचा भी नहीं गया कि यार ऐसा हो सकता है। पर लेकिन यहां पर आज के में जो हमारे चतुर नेता आ गए हैं, उनके द्वारा यहां पर इसको बड़े शानदार तरीके से यूज किया जा रहा है। ओरिजिनली इमरजेंसी प्रोविजन की तरीके से इसको बोला गया था यूज किया जाएगा, पर लेकिन अब ये इमरजेंसी प्रोविजन नहीं रहा है, ये एक नॉर्मल प्रोविजन बन चुका है पार्लियामेंट या फिर असेंबली को बाईपास करने का। 1950 में जो सेंट्रल ऑर्डिनेंस यहां पर लाया गया उसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर ऑर्डिनेंस लगभग 7.1 पर ईयर, यानी कि लगभग 1 साल में 7 ऑर्डिनेंस लाए जाते थे, ठीक है। आगे चलकर 90 में यहां पर ऐसा हो गया कि ऑर्डिनेंस 1 साल में 19 लाए गए, अगर 5 साल तक कोई गवर्नमेंट है तो इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लेना, इतने सारे ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। 2010 में हालांकि ये घट गया, लगभग 8 के करीब आ गया। 2019 में बढ़कर फिर ये 16 पर पहुंच गया, एक साल में 16 ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, तो फिर आप लोग लगा लीजिए 5 साल में कितने ऑर्डिनेंस लाएंगे। 2020 में यहां पर 15 हो गए, और अभी अब तक इस साल के अंदर 4 ऑर्डिनेंस अब तक लाए जा चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अध्यादेश लाने का जो फंडा है ये इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जो हमारे संविधान निर्माता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर लेकिन ये जो प्रोविजन है ये काफी नॉर्मली देखने को मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इस प्रोविजन को इतना ज्यादा यूज करती है कि बिहार के द्वारा 256 ऑर्डिनेंस लाए गए 1967 से लेके 1981 तक का, जिसके चलते 69th यानी कि 70 के करीब तो ऐसे थे जिनको रीप्रमोगलेट किया गया। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए, आप लोग चौंक जाएंगे, 11 तो ऐसे थे जिनको अलाइव रखा गया 10 सालों तक रीप्रमोगलेट कर करके, यानी कि इनको असेंबली के अंदर लाना ही नहीं है, इनको असेंबली में ले जाना ही नहीं है, इनको भारी भार पास कराते रहने। तो इसका मतलब क्या हो गया, संविधान बनाने वाले बेवकूफ थे, उन्होंने फालतू में संविधान का प्रोसीजर बनाया कि आप लोगों को ऐसे ऐसे बिल पास कराना है, वैसे वैसे वहां पर पूरा प्रोसीजर लेकर जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस पहुंचा, डीसी वाधवा प्रोफेसर थे इकोनॉमिक, उनके द्वारा बोला गया यार ये क्या कर रहे हो, ये कुछ तो शर्म करो, क्या चल रहा है देश के अंदर में। तो 5 जज की बेंच
यहाँ पर देखने को मिली 1986 में भी। यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया रीपरमोगुलेट जो आप लोग करते हैं ना यहाँ पर, ये ऑर्डिनेंस ये संविधान के हिसाब से सही नहीं है, यहाँ पर ये कॉन्ट्रेरी है। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग इस तरीके से अपना पावर यूज करते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेंस को रीपरमोगुलेट करने का, तो ये खतरनाक है, सिटीजन के लिए भी सही नहीं यहाँ पर ये, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी कि हमारे सांसद जो विधायक है वो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव बोले जाते हैं क्योंकि वो जाकर पार्लियामेंट असेंबली में बैठते हैं और रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। और आप लोग ऑर्डिनेंस का रूट तैयार कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस तो यहां पर लेजिस्लेटिव तरीका थोड़ी ना हो गया, ये तो एग्जीक्यूटिव तरीका हो गया, तो फिर लेजिस्लेटिव का क्या मतलब रह गया जब आप लोग ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। जजमेंट जो है ये प्रैक्टिस स्टॉप नहीं कर पाया। और फिर सेंटर के बारे में बात करें तो सेंटर ने भी बिहार का पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बिहार के पैटर्न में चल रही है। 2013-2014 में सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के बारे में बात करें, 3 बार इसको यहां पर ऑर्डिनेंस को लाया गया। इसी के साथ में अमेंडमेंट के बारे में बात करें, लैंड एक्वाइजेशन एक्ट जो इशू किया गया दिसंबर में 2014 में, फिर रीप्रमोगुलेट किया गया 2 अप्रैल में और मई में 2015 के अंदर भी। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में 7 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा बोला गया कि यार ये जो रीपरमोगुलेशन आप लोग ऑर्डिनेंस का करते रहते ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं है, रीपरमोगुलेशन जो है ऑर्डिनेंस का ये फ्रॉड है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में धोखा कर रहे हो आप लोग, यहां पर एक डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को आप लोग यहां पर बाईपास करकर यहां पर इस तरीके से लॉ लेकर आ रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। पर लेकिन हमारे नेता तो हमारे नेता है, उन्होंने जजमेंट को इग्नोर किया और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को यहां पर ये सितंबर के महीने में 2018 में, फिर इसको रीइश्यू किया गया 2019 में, इसको इस तरीके से यहां पर आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में अभी एक और बिल यहां पर न्यूज में, यहां पर ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये कमीशन जो है पहले यहां पर अभी बात की जा रही है, अक्टूबर के महीने में ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर यहां पर पार्लियामेंट में रखना था इसको, तो पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और फिर से रीप्रमोगुलेट कर दिया गया ऑर्डिनेंस अभी यहां पर। केरला के बारे में बात करें ये 81 ऑर्डिनेंस ला चुका है, कर्नाटक के बारे में बात करें 24 ऑर्डिनेंस ला चुका है, महाराष्ट्र के बारे में बात करें 21 ऑर्डिनेंस ला चुका है। यानी कि ऑर्डिनेंस एक ऐसा धंधा बन चुका है जिससे हमारी कंट्री के जो नेता है उसको प्रॉपर में डिस्कस न करके अपना बाईपास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ले जाते हैं और ये यहां पर माहौल आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं इंसल्ट करता हुआ नजर आता है हमारे संविधान के, जिसके प्रॉपर को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चीजें बनाई गई थी। पोथ सेंटर एंड स्टेट के बारे में बात करें तो वॉयलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव, ये एक बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर उसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना रोल ढंग से प्ले नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको चेक करना चाहिए। और चेक एंड बैलेंस का मतलब यही है कि अगर कोई अपने दायरे से बाहर जाए, अगर कोई अपने एरिया से बाहर जाए तो उसको पकड़कर उसके एरिया में लाओ कि यहां पर बैठो और इंसानों की तरह काम करो। तो यहां पर जो दोनों ऑर्गन है यहां पर ये वो कहीं ना कहीं आज के डेट में अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही अपना सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में पावर है चेक करने की, पर सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर उसको उस तरीके से चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो पूरा आर्टिकल था, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा सुनके, मुझे तो यार पढ़ने में बड़ा मजा आया था, तो मैंने लगा कि आप लोगों को सुनने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल है यहां पर, ये ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर हमारी कंट्री में जो बैंक वगैरह हैं उनके जो वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है, तो प्लानिंग ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैंकिंग सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे पेपर 3rd के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो नीरव मोदी भाई साहब को कंट्री के अंदर वापस लाया जा रहा है, इसके बारे में अभी यहां पर ये न्यूज देखने को मिल रही है, तो देखते हैं आता है या फिर नहीं आता है, अभी भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाना है। तो यहां पर अभी आरबीआई के द्वारा जो क्रेडिट यहां पर रिलेटेड जो भी कॉर्पोरेट फ्रॉड होते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे जैसे घर में पापा होते हैं, तो पापा घर में सबसे बड़े होते हैं, उनको पता रहना चाहिए घर में क्या चल रहा है, अगर उनको पता नहीं रहेगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलेगी। तो मम्मी और पापा जो पेरेंट्स होते हैं उनको एज ए मुखिया के तरीके से काम करना चाहिए। तो यहां पर हम अभी यहां पर यूके की जो होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल, उनके द्वारा डिसीजन जो कि फिजिटिव जो इकोनॉमिक जो ऑफेंडर यहां पर देखने को मिले थे नीरव मोदी, उनके एक्सट्रेडिशन के लिए यहां पर अभी जो डिसीजन है इनको, हालांकि टाइम इनके पास में भी ये अप्लाई कर सकते हैं यूके के कोर्ट के अंदर में, और यूके के कोर्ट के अंदर डिसीजन यार बड़ी अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में संविधान एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यहां पर देखने को मिलते हैं, पर यूके में यहां पर अटपटे तरीके के डिसीजन आ जाते हैं कई बार, तो हो सकता है कल को यहां पर ना आने का भी डिसीजन आ जाए। पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 करोड़ रुपए, एक इंसान नहीं है, एक देश को इतना पैसा उधार दे दो ना भूटान जैसे वो, तो वो आकर कदमों में लौट जाए जितना ये अकेला इंसान लेकर भाग गया। तो बैंकिंग सिस्टम को लड़खड़ा दिया, बिल्कुल घुटनों पर ला दिया इसके द्वारा। तो आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके द्वारा यहां पर ये बताया जा रहा है कि फिलहाल अगर बात की जाए बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर 28% के करीब वॉल्यूम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और 2.5 गुना वैसे वैल्यू के मामले में 1.8 लाख करोड़ के करीब 12 मंथ के एंड में यहां पर ये अभी कई सारे केस सामने निकल कर आ रहे हैं। COVID-19 के चलते हालांकि थोड़ी शर्म आ गई है इनको भी, क्योंकि यहां पर COVID-19 के चलते प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, उसके नाम पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, इसके चलते कुछ कम हो सकते हैं, पर लेकिन फिलहाल जो है सिचुएशन काफी ज्यादा ग्रेव कंडीशन है। अभी अगर बात करें आरबीआई के द्वारा ऑब्जर्व किया था
कि जो फ्रॉड है यहाँ पर ये 50 के करीब जो क्रेडिट रिलेटेड जो टॉप अभी जो क्रेडिटर हैं 76% टोटल अमाउंट उनके हाथ में है, यानी कि 50 आदमी अगर देश के लगा ले सबसे अमीर तो उन्हीं के पास में सबसे ज्यादा पैसा है, तो टॉप 50 जो क्रेडिट रिलेटेड जो फ्रॉड है उसके पास में 76% अमाउंट है, यानी कि जो टॉप 50 बड़े बड़े जो फ्रॉड करने वाले नीरव मोदी टाइप के लोग हैं उनके पास में सारा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 100 करोड़ के करीब जहां पर जो मामला इन्वॉल्व होता है, कई बार 63 महीने 5-5 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं आरबीआई को पता लगाने में कि ऐसा कुछ चल रहा है। इसका मतलब है कि आरबीआई का जो सिस्टम है प्रॉपर वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ये फ्रॉड जो होते हैं मैक्सिमम आप लोगों को पब्लिक सेक्टर बैंक में देखने को मिलेंगे 80%। अगर वैल्यू के मामले में बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट पीछे है, ठीक है, प्राइवेट में भी वैल्यू के मामले में आप लोगों को प्राइवेट जो लेंडर है वैल्यू के मामले में उसमें भी 34% का जंप हुआ है, पीएससी में 24% का जंप हुआ है, तो ये भी काफी बुरी कंडीशन है। चाहे आप लोग प्राइवेट के बारे में बात करिए, अभी यस बैंक जैसे आप लोगों को बैंक जो है फेल होते हुए नजर आए, और भी कई सारे बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो बोलते हैं ना प्राइवेट बैंक कर दो प्राइवेट अच्छा बैंक होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, जो बुरा होगा बुरा ही होगा। इसकी आप लोग क्या गारंटी दे सकते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा। केरला के बारे में अगर मैं आप लोगों को उदाहरण दूं, केरला में भी कई सारे करप्शन के चार्जेस कई सारे नेताओं के ऊपर लगाए गए, तो क्या वहां पर बोलते हैं ना इन कंट्री का सबसे ज्यादा एजुकेशन का रेशियो है, वहां पर भी एक कंडीशन आप लोग देखते हैं, तो सिचुएशन बुरी है, वो चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो आरबीआई को यहां पर जो वीक इंप्लीमेंटेशन है अर्ली वार्निंग वो चेक करना पड़ेगा। नॉन डिटेंशन जो यहाँ पर इंटरनल ऑडिट में देखने को मिलते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन नाक के नीचे से पैसा निकाल के ले गया। नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ बोरोइंग ड्यूरिंग द जो यहाँ पर फोरेंसिक ऑडिट देखने को मिलेगा, यानी कहने का मतलब ये बोलेगा घुमा फिरा के आरबीआई की नाक के नीचे से पैसे निकाल कर ले जा रहे हैं और आरबीआई को पता नहीं है इन चीजों के बारे में, तो ये गलत है। तो आरबीआई जो है यहाँ पर एक इंडस्ट्री रेगुलेटर है, एक तरीके से आरबीआई एज ए इंडस्ट्री रेगुलेटर उसको वॉक द टॉक, यानी कि जो बोला है उसको फॉलो करें और टाइट करें यहाँ पर ये प्रोविजन, ताकि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, पता चला कल को घुटनों पर आ गई चीजें, तो ये सिस्टम यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मुझे लगा कि आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए, तो ये कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए, ठीक है। ऑर्डिनेंस वाला तो काफी प्यारा लगा मुझे, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी बातें डिस्कस की। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला आर्टिकल हो गया आप लोगों का रशिया और इंडिया के रिलेशन वाला, हम लोगों ने डिस्कस किया। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया ये बेसिकली जो इंटर रिवर वाटर लिंकिंग वाला, ये काफी प्यारा है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये था डिस्कशन, आइए अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, तो ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग जो फ्रीडम है यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है यहाँ पर। नॉर्मली तो अफगानिस्तान के लिए ये बेसिकली यूज किया जाता है कि अफगानिस्तान के लिए, पर लेकिन आज के डेट में ये ऑपरेशन जो है अदर कंट्री में भी यूज किया जा रहा है यूएसए के द्वारा, तो आंसर इसका बी हो गया। तो अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहिए, जल्दी आप लोग अक्टूबर का रिविजन आने वाला है उसको भी आप लोग जरूर देखेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।